बहन की पति और सास आए दिन दहेज की मांग कर रहे और मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। जहां ससुराल वालों द्वारा उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई है, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया। जहां परिजनों ने कलेक्टर परिसर में आकर शिकायती आवेदन दिया है और बताया कि आरोपी गण खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार के सदस्यों को राजीनामा का दबाव बनाते हैं। जरूर इसका विरोध किया जाना चाहिए, नहीं तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसके चलते कलेक्टर परिसर आकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? लखन मांझी। क्या शिकायत लेके आए हो आप? शिकायत जी लेकर आया, हमारी सिस्टर थी, दो या तीन तारीख की रात में वो ख़त्म ससुराल पक्ष वालों ने वो मार डाला उनको फांसी लगा करके, और फांसी के फंदे पर उन्होंने लटका दिए अपनी वो छुपाने के लिए, हत्या छुपाने के लिए। इसके बाद हम पुलिस प्रशासन ने 17 तारीख को हम FIR दी, उसके 15 दिन बाद वो अभी तक 3 तारीख की घटना से आज 28 तारीख आ गई, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। ससुराल कहाँ पे है तुम्हारी सिस्टर? ससुराल शंकरगढ़। शंकरगढ़। तो आपने अभी तक क्या लग रहा है कि आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, लेत लताड़ी क्यों हो रही है? लेत लताड़ी पता नहीं पुलिस क्यों कर रही है। तो आपने पूछा नहीं? बिल्कुल पूछा, अमोल पटा चौकी वाले बोलते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, ये SDOP साहब का कलर है, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे केसदारी वहाँ पे जा रहे हैं। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आपकी बहन की हत्या की गई है? हत्या ऐसी जगह पे की गई कि कुन्ने वाले उस पर लटकी थी, तो उसके जैसे हत्या के संकेत होने भी हमको नहीं मिले, और उनकी नाक में से खून आ रहा था, एक दांत टूट रहा था और उसके हाथ पैर नीचे गन। अभी जैसे आपने दिया तो क्या आश्वासन आपको दिया गया? अभी आश्वासन ये बोल रहे थे कि हम कर लेंगे, तुमको ये कितनी जल्दी, आप क्यों घबरा रहे हो उनको गिरफ्तार? और अगर आपकी फिर भी अगर सुनवाई नहीं होती फिर क्या करोगे? फिर क्या करेगा, ये लास्ट चांस जहाँ जिन सुनवाई तक कलेक्टर साहब और SP साहब ने आवेदन दे चुके, SP साहब के हमने 22 तारीख को भी आवेदन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया और आज भी 27 तारीख को भी दिया, तो अब कलेक्टर साहब को भी जन सुनवाई में आ